मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव से पहले अजब चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। गद्दार, जयचंद, कपटनाथ, कलंकनाथ जैसे शब्दों के साथ ये चुनाव प्रचार का प्रभाव डालेगा, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता से ये जानने की कोशिश की न्यूज लाइव एमपी की एडिटर जूही वर्मा ने। ये विषय जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, तो उसमें एक सरकार बनती है और एक नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में शुरू किया था। वो शुरू किया था कि विधायक इस्तीफा दे दें, जिस दल से चुनकर आए, कांग्रेस से चुनकर आए तो इस्तीफा दिया, और जो हाउस की स्टैंड थे उसके हिसाब से एक बड़े दल के नाते सरकार बनाने का मौका मिला। ऐसा दूसरे राज्यों में नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में आमतौर पर लोग विधायक इस्तीफे नहीं देते थे और उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है स्पीकर के पास पेंडिंग रहता था या डिसीजन हो जाता था। इस तरह के प्रयोग में जो जिस तरह के हम श्रीयंत हो या गद्दार हो, ये इसलिए जुमलेबाजी ज्यादा है क्योंकि इसमें विधायकों ने इस्तीफे दिए। आप उस विधायकों के पक्ष को देखेंगे तो उन्होंने ठीक किया, जिस चुने हुए जिस दल से चुनकर आए थे, यदि हमने वो दल छोड़ दिया है, हम नए मैंडेट के लिए जा रहे हैं, तो वो अपनी जगह राइट हैं। और यदि अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि आपने गद्दारी की है, तो अपोजिशन अपनी जगह राइट है। दोनों की स्थिति है, किसी का दोनों ग्लास को कोई आधा भरा हुआ देख रहा है, कोई आधा खाली देख रहा है। तो इसका जो जहां जहां पे चुनाव है वहां पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जैसे कांग्रेस ने एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल वॉर टाइप से पिछड़े रखा है। डेली एक ट्वीट आता है कि नया सर्वे 28 सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी को मिली 0 सीटें। तो ये तो सोशल मीडिया पर एक इम्पैक्ट है, लेकिन जो दल बदलू, गद्दार, जयचंद है, इसका जनता के बीच में क्या इम्पैक्ट होगा और क्या ये मतदाता पे और मतदान के दौरान भी दिखाई देगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये कैंपेन अपना 20 मार्च को ही स्टार्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन बहुत लेट स्टार्ट किया। दूसरे, उनके यहाँ जो लोग आए थे वो उनके साथ फ्रेंडली नहीं थे, उनको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स में थे। तो जिस तरह से डिफेंड किया जाना चाहिए था अपोजिशन के आरोप को, कांग्रेस के आरोपों को, उस तरह से डिफेंड नहीं किया गया। और जब डिफेंड नहीं किया गया तो ये बात तेजी से प्रचारित होती रही। ना तो विधायकों ने कोई एक्शन लिया तो उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिकने के, और ना ही पार्टी ने इनको रोकने की कोई कोशिश की। ज्यादातर जो पार्टी के जो पुराने नेता थे उनकी दिलचस्पी शायद सरकार में ज्यादा थी, इस बात में दिलचस्पी नहीं थी कि जो नए लोग आए हैं इन्हें चुनाव भी लड़ना है और जीतना भी है। शायद ये भ्रम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रहा होगा कि इनको तो अब टिकट मिलना ही नहीं है या इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो शायद हो सकता है ये रणनीतिक चूक रही हो, लेकिन अब इसमें बहुत सारा पानी बह गया है, डैमेज कंट्रोल में बहुत मुश्किल आएगी। जी, तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि मतदान के दिन भी इसके नतीजे दिखाई देंगे। बिल्कुल, आप तो हर दिन इसमें जो है, आप जनता के बीच में जो जन चर्चा का विषय है, तो कहीं ना कहीं खरीद बिक्री का विषय तो है ही। आप जातीय समीकरण या दूसरी चीजों के लिहाज से इलेक्शन के रिजल्ट क्या होते हैं ये हम अलग चीज है, लेकिन जनता के बीच में ये तो है ही कि इसको इन्हें दल बदल कर दिया या बिक गए। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस की रणनीति इस उपचुनाव में ज्यादा सफल दिखाई दे रही है। जी, तो जैसे कांग्रेस, जैसे मैंने अभी भी पूछा था कि जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के रखी हुई है कि 28 सीटें हमारी ही है, ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस को बमुश्किल 10 सीटें ही मिल पाएंगी, क्या इसका असर दिखेगा? कांग्रेस की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और फिर क्या प्रदेश फिर से एक अस्थिर सत्ता की तरफ भी बढ़ सकता है? इसको आप जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर के तौर पर ना देखें, हम ये देखें कि 2018 से यह चुनाव अलग कैसे हो गया। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में चली गई थी, तो क्या वो कारण खत्म हो गए जिसके कारण बीजेपी की सरकार गई थी? और क्या उस अंचल में वो कारण खत्म हो गए जहां सबसे ज्यादा 16 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान की एंटी इनकम्बेंसी है वो इस चुनाव में खत्म हो गई या और ज्यादा पड़ गई? तो मुझे ये लगता है जब ये सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे, इसको हम इस पर हम आप मनोवैज्ञानिक
दबाव का एक जो है तड़का भी लगा देंगे तो शायद हमें 28 सीटें बड़े कंफर्टेबली जीतने को दिखाई देंगी। लेकिन जब दूसरे फैक्टर हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग काम करते हुए दिखाई देंगे तो फिर नतीजों को लेकर एक भ्रम की स्थिति निश्चित तौर पर बन जाती है। जी, अभी जो चुनाव है, हम वापस प्रचार के तरीकों पे अगर आते हैं, इतना दिलचस्प और इतना रोचक आम चुनाव भी मध्य प्रदेश में कम ही देखने को मिला है। तो ये जो 28 सीटों का उपचुनाव है, क्या इसका इम्पैक्ट, इसका असर जो है वो आने वाले चुनावों पे, जब भी विधानसभा चुनाव होगी उन पर भी इसी तरह चुनाव प्रचार पर दिखाई दिया करेगा, या कुछ मर्यादित होने की उम्मीद हम कर सकते हैं राजनेताओं से? नहीं, देखिए, राजनीति अब जिस दिशा में चल पड़ी है उसमें अब उसके बैक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन अमर्यादित आचरण हमारे जीवन का हिस्सा होता जा रहा है और हम जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक्ट करते हैं उसी तरह से हम मीडिया या पब्लिक मीटिंग में रिएक्ट करते हैं। तो और ये सबसे आसान होता है, हम यदि निगेटिव किसी के बारे में बोलेंगे या किसी को गाली देंगे तो ज्यादा जो है लोग उसको पसंद करते हैं, ये मान लिया जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये कोई आज से नहीं हो रहा, ये हर चुनाव में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता है जिसके कारण जो है वो हल्ला काफी मचता है, लेकिन बाद में इसका असर चुनावों पर कितना पड़ा ये इसको कभी विश्लेषण नहीं किया गया है। तो कई बार क्या होता है कि उस बात का कोई असर नहीं भी होता है लेकिन हम ये नतीजा निकाल लेते हैं कि हाँ इसी के कारण चुनाव जीते हैं, क्योंकि तो चुनाव जीतने के बहुत सारे और भी कारण होते हैं। आप जब ये हम देखते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव देखेंगे हम, तो लोकसभा चुनाव में उत्तर से दक्षिण तक एक जैसे नतीजे थे, लेकिन जब यदि कहीं अलग अलग नतीजे मिलते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर इसी इशू पर आए हैं। वो फिर कई बार ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है किस स्तर का व्यक्ति क्या बात कह रहा है। यदि कोई ऐसा आदमी कह रहा है जिसकी पब्लिक वॉइस उसके ही मोहल्ले में ना हो, उसी के क्षेत्र में ना हो, तो बड़ा इफेक्ट कैसे डालेगी। अब अगर मान लीजिए कि बीजेपी की सीट वाकई कम हो जाती है और कांग्रेस को थोड़ी बहुत बढ़त मिल जाती है, तो सिंधिया जी का क्या कद हो सकता है मध्य प्रदेश बीजेपी में? क्योंकि जो आपकी स्टार प्रचारकों की आज जो लिस्ट आई है वो भी काफी हाईलाइट हो रही है, उनका नाम 10वें स्थान पर है, तो ये सब चीजें कितना फर्क डालेंगी उनके पॉलिटिकल भविष्य पे भी और उनके समर्थकों पे भी? आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में है, वो कांग्रेस की संस्कृति में थे, तो कांग्रेस की संस्कृति में वो किसी भी नंबर के नेता हो सकते थे। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद चौथे नंबर पर भी आप उन्हें रख सकते थे। यदि और नेताओं में जाओगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का, इस तरह से जाओगे तो वहां भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आपको नीचे ही दिखाई देता, वो कांग्रेस का कल्चर था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कल्चर ये है कि प्रधानमंत्री से पहले उनके यहाँ पार्टी अध्यक्ष का नाम लिखा जाता है, ये उनके यहाँ की परंपरा है। तो हमने जब इस सूची में ये देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री के नाते प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पर, राज्यपाल को जहां सबसे ऊपर रखते हैं तो फिर मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पार्टी की सूची में भी वो दूसरे नंबर पर है। तो उसका जो संगठनात्मक प्रक्रिया है, संगठनात्मक जो व्यवस्था है, उसमें कितने भी बड़े कद का नेता हो, आप देखिए कि दूसरे जो नेता हैं, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते वगैरह, बहुत सारे जो दूसरे नाम भी हैं जो 10 से भी नीचे हैं, लेकिन वो पार्टी में पुराने नेता हैं, इसके बावजूद वो नीचे हैं। लेकिन चूंकि हम पूरी चीजों को सिंधिया के इर्द गिर्द देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को मान रहे हैं, तो ये जब हम इस तरह का भ्रम रखेंगे तो हमें लगेगा कि सिंधिया का कद बहुत नीचे चला गया, जबकि हमें पार्टी की व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही उन्हें देखना चाहिए। इसलिए जो भी उन्होंने सूची बनाई है, तो मुझे लगता है कि उनकी तो एंट्री अभी मार्च में हुई है, लेकिन उस लिहाज से भी वो 10वें नंबर पर हैं, तो वो कांग्रेस की सूची में 7वें 8वें पर होते तो वो उन्होंने कम से कम अपनी स्थिति को बरकरार रखा हुआ है। एक अंतिम सवाल सर, जैसा ये इशू आज कांग्रेस ने बड़ी तेजी में उठाया, इधर लिस्ट जारी हुई उधर की श्रीमंत का कद घट गया, मतलब मेरे पूछने का आशय यह है कि सोशल मीडिया पर इस बार कांग्रेस बहुत तेज है, बहुत हमलावर है, अमूमन ये बीजेपी की शैली पिछले चुनावों में देखने को मिली है, इस बार कांग्रेस भी उतनी ही तेज है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अब आने वाले चुनावों में सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाया करेगा ये तय करने में कि किसकी सरकार बन सकती है?
सोशल मीडिया ने ये भूमिका निभाना हमने देखा 2014 से ही शुरू कर दिया था। श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम था, जो मीडिया प्लानिंग थी या कैंपेन था, वो सोशल मीडिया बेस्ड थी। 2019 में भी हमने इसका असर देखा, और आप दूसरे राज्यों में जब चुनाव हुए तो वहां भी हमने ये असर देखा। तो मैंने आपको जो ही पहले कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके साथ जो लोग आए हैं, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभी भी दूध पानी जैसे नहीं है। अभी हम उसको ऐसे करें कि पानी के ऊपर जिस तरह से तेल होता है, तो हम दोनों को अलग अलग करके देख सकते हैं कि अभी भी दोनों मिक्स नहीं हुए हैं। जब ये स्थिति होती है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं हम एक्स के पक्ष में ट्वीट कर दें तो संगठन के नेता नाराज ना हो जाएं, इसको गुटबाजी के तौर पर ना देखा जाने लगे। जो तो उनके यहाँ जो दुविधा है कार्यकर्ता की, उस दुविधा को समाप्त होने में कम से कम जो आम चुनाव है 2023 का, उस तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और तब तक सिंधिया जी को भी अपनी खुद की पोजीशन बनाने के लिए भी बहुत सारे सैक्रिफाई करने होंगे। जी, थैंक यू वेरी मच सर, न्यूज़ लाइफ से इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।